पार्ट है ना गाने के लिए, फिर रिलीज हो जाना। मैं बिस्किट लाई है। क्यों? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है फ्राइडे और आज की डेट है, बताओ आज की डेट क्या है? आज है 11 मार्च। 11 मार्च ना आज। तो कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, कल मैं आ गई थी मौसी जी के घर से, और कल मैं आ गई थी सुबह के टाइम में, नहीं दोपहर हो गई थी, 12 बजे मैं घर आ गई थी, 10:30 बजे निकली थी आई थिंक मैं, और 11:30 बजे आ गई थी। फिर थोड़ा सा इनका वेट करती रही है, मुझे लेट लेने के लिए पहुंचे थे, तो मैं 12 बजे अपने घर आ गई थी। आने के बाद फिर वही थोड़ा सा घर में ऐसे ही मिला मुझे, क्योंकि ये चले गए थे अपना पेपर देने के लिए, इनका बीच में एक और पेपर फंस गया था तो इन्हें बाहर जाना पड़ा था, तो ये भी घर में नहीं रहे, मतलब मैं नहीं थी ना तो ये भी नहीं थे घर पे, ये सोच लो। इनका जो एग्जाम है वो तो चल ही रहा है, और एक और था उसके लिए इनको बाहर जाना पड़ा, तो जो गैप मिला था पढ़ने के लिए उसमें उन्होंने एक और एग्जाम दे दिया है ना। अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं मेरे साथ, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और 9:30 बजे तक निकलना है ना आपको, 9:30 बजे तक इनको निकलना है। तो सोचा कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर दिन भर का रूटीन आपको दिखाऊंगी, और कल फिर आने के बाद घर के काम वगैरह वो सब कुछ किए, खाना वगैरह बनाया, तो थोड़ा सा मन नहीं था फिर बनाने का। जिस दिन मैं आती हूँ ना मतलब डबरा से, तो फिर मेरा एक दिन तो घर में मन लगता नहीं है। नानू बाबू की बहुत याद आ रही थी, वो लोग स्कूल चली गई थी उस टाइम पे मैं आ गई थी, फिर वो जब वो वापस आई होंगी तो उन्होंने देखा होगा कि दीदी चली गई हैं, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही थी। चलो कोई नहीं, फिर जाएंगे फिर मिलेंगे, अभी तो चाय पीते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि अपने किचन की साफ सफाई कर लूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गंदी, तो देखते हैं कि क्या कर पाती हूँ। दूध वाले भैया नहीं आए हैं, दूध बहुत कम था, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी सी चाय बना ली दोनों के लिए, क्योंकि पीते हैं तो साथ में ही पीते हैं, फिर अलग अलग पीने का, पहले मैं इनको पिला देती फिर मैं अपने लिए, फिर आलस ही कर जाती, फिर नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी सी हमने ले ली है। फिर दूध वाले भैया को बोलना पड़ेगा थोड़ा सा जल्दी आए हैं ना, सर्दियों में तो चलो कोई बात नहीं है, वो 9:30 बजे तक आते थे, लेकिन गर्मियों में क्या जल्दी उठ जाते, बाई चांस क्या, गर्मियों में दूध इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम लोग दही जमने के लिए रख देते हैं ना, इसलिए तो सुबह चाय के लिए तो दूध चाहिए वो आते हैं लेट, और गर्मियों में क्या है ना जल्दी उठ जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा आलस आता है, सर्दी लगती है तो रसाई में बैठे रहते हैं, लेकिन अब गर्मियों में क्या है ना 6 बजे तो उठ के खड़े हो जाएंगे जब गर्मी लगेगी तो। ये अभी 8:30 बजे भी बाहर इतनी तेज धूप आ गई है कि बस पूछो मत, वो आने ही वाले हैं दूध वाले भैया भी अभी। इनके लिए नाश्ता बनाना है मुझे, अभी नाश्ता बनाऊंगी फिर मैं अपना घर के काम स्टार्ट करूंगी। ये आएंगे अभी दोपहर में 1 बजे, फ्री होके जब तक मैं अपना काम वगैरह कर लूंगी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, यहाँ के विंडो मैं ओपन कर देती हूँ, सुबह सुबह सनलाइट दिखती है, बाहर का अच्छा सा व्यू दिखता है, मेरे पेड़ पौधे दिखते हैं यहाँ से, अच्छे फूल आए हुए हैं अभी बालकनी में, मैं आपको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा लगा था मेरे बिना, मेरे बिना कैसा लगेगा, घर में थे ही नहीं, जिस दिन मैं गई थी बस उसी दिन घर पे थे, और दूसरे दिन तो ये चले गए थे है ना। फिर भी अच्छा लगा था। फिर भी अच्छा लगा था, ठीक है मैं फिर से चली जाऊंगी, अब तो ऐसे ही रहना अकेले, अगर मेरे बिना अच्छा लगा था तो ऐसे ही रहो, मैं चली जाऊंगी। पता है जब भी कोई मतलब मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों की भी बात कर रही हूँ, जब भी आप मायके से आते हो तो आपको एक दो ताने तो मिल जाते होंगे कि इतना वो कर रही हो, वही रह जाती ना, वही रहती ना, वही शिफ्ट हो जाओ ना, ऐसा करो ना, ऐसा करो ना, हम तो रह लेंगे है ना। लेकिन पता चल रहा है कि हाउसवाइफ मतलब हम लेडीज के बिना घर एकदम सूना, एकदम अधूरा है, और एकदम
पता नहीं ऐसा हो जाता है क्या कहते, इतना फैल जाता है कि पता नहीं, और कहने को कोई नहीं फैलाता, लेकिन फिर भी घर इतना खाली खाली लगता है और बहुत बुरी हालत हो जाती है 2-3 दिन में घर की, अगर आप कहीं चले जाते हो तो। इसलिए लेडीज ही है जो घर को बनाती है, संवारती है, उसी का काम है बनाना, वो चाहे तो बना सकती है, वो चाहे तो बिगाड़ सकती है। तो मैं तो कहूंगी कि भाई बनाओ अपने अपने घर अच्छे से, बिगाड़ो मत, है ना। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, बाय बाय, मिलते हैं, बाय। तो सबसे पहले मैंने इनको फ्री कर दिया, इनका नाश्ता वगैरह बना दिया था, ये खा के चले गए हैं। एक पराठा मैंने भी खा लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अब काम में मुझे होने वाला है पूरा दिन भर। तो यहाँ पे बहुत दिनों से मैंने ये जो कुशन मिले हैं ना, इनके कवर चेंज नहीं किए थे, मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखे हुए थे, ये सबसे पहले मैंने मंगाए थे, दिल्ली में थी तभी, तो मैंने सोचा कि इनको मैं बदल देती हूँ। ये तो कल ही बोल रहे थे कि सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, तो मैंने कल तो नहीं की, क्योंकि मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी अच्छे से, और फिर धुली हुई बेडशीट बिछा के फिर मतलब काम करो ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा मैं आज नहीं कर रही हूँ, मैं कल कर दूँगी। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो आप, ये मेरे साथ नहीं है, आप सबके साथ भी होता होगा कि आपको लौट के आके ना, कहीं से भी, चाहे आप मायके से आ रहे हो या कहीं घूम के आ रहे हो, आपको यही सज़ा मिलती है कि पूरा घर साफ़ करो। और जाती हूँ तब भी मैं भाग भाग के काम करके जाती हूँ कि कुछ भी काम रह ना जाए, और लौट के आके भी आपको घर गंदा ही मिलेगा। हस्बैंड इतना नहीं कर पाते हैं जितना कि हम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था। मैंने सोचा कि यार मैं क्यों चली गई, होली पास में है, ये सारे काम मेरे निपट ही जाते अगर मैं नहीं जाती डबरा तो। लेकिन कोई नहीं, अभी मुझे जितनी जल्दी उतनी जल्दी ये क्लीनिंग से फ्री होके फिर मुझे होली के लिए रेसिपी वगैरह शूट करनी है, कुछ तैयारी वगैरह भी करनी है, तो देखते हैं कि कैसे क्या कर पाती हूँ मैं यार। बड़ा मतलब, एक तो है ना, कोई हेल्प के लिए नहीं है, जो कुछ भी करना है आपको खुद ही से करना है। ये चले गए हैं, उसके बाद तो फिर मैं अकेली थी घर में, तो मैंने सोचा कि अब मैं ठान लिया था कि मुझे आज किचन अपनी पूरी निपटानी है, पूरी क्लीन करनी है, बहुत गंदी हो रही थी। और जब किचन साफ़ हो जाती है ना, तो काम करने का मज़ा ही अलग होता है, नहीं तो किचन में काम करने में मज़ा नहीं आता, मन नहीं लगता, मतलब गंदी किचन में। मेरी तो ये हैबिट है हमेशा, मुझे साफ़ सुथरा घर, साफ़ सुथरी किचन, यही पसंद है। तो बस यहाँ पे सारे डब्बे मैंने गर्म पानी कर लिया था, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया था, और गर्म पानी से मैंने सारे डब्बों को ऊपर ऊपर से पोंछ दिया है, क्योंकि ये जो मेरी किचन है ये सेमी फर्निश्ड है, आप देख सकते हैं, फुल फर्निश्ड नहीं है। तो जितना कुछ भी हम बनाते हैं, किचन में चिमनी भी नहीं है, तो वो ना मतलब डब्बों के ऊपर जम ही जाता है, जो कि मुझे हर 3-4 महीने में क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे वही हो रहा था कि जो भी डब्बा मैं उठा रही थी ना, तो मुझे चिप 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 जैसा फील हो रहा था, तो फिर वो मन नहीं लगता आपका। मैंने सो देखती रही आज, तो मैंने सोचा कि भाई कर ही दो, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम फ्री हो जाते हैं। तो ये सारे काम में मैं फंस गई हूँ, व्लॉगिंग करने का मन नहीं था, लेकिन क्या करूँ, व्लॉगिंग भी करनी पड़ती है मुझे। तो ये हो गया है, और यहाँ पे मुझे ये थोड़े बहुत जो मेरे छोटे छोटे स्टैंड है ना, जैसे कि ये प्लेट्स वाला स्टैंड है, एंड मेरा स्पैचुला रखने वाला भी है, वो सब कुछ मैं क्लीन करती हूँ। जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो फिर मैं एक चीज़ भी नहीं छोड़ती, चाहे मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, नेक्स्ट डे के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, आज ही सारा का सारा निपटा दूँगी। तो बस यहाँ पे ये मेरा लंच बन के तैयार हो गया है, ये आ गए थे पेपर दे के, तो इनको भूख लग गई थी भूख, तो मैंने साबुत जो मसूर की दाल होती है वो बनाई, राइस बनाया, सैलेड और अचार। पूरी किचन नीट एंड क्लीन हो गई है, विंडो भी क्लीन है, और पूरा एरिया साफ हो गया है, और नीचे भी मैंने साफ सफाई कर दी है, बहुत गंदा हो रहा था, फ्लोर भी क्लीन कर दिया, सारे बर्तन क्लीन है, बस ये कुछ बर्तन अभी रह गए हैं। और मेरा लंच भी रेडी है, तो आज मैंने बनाई है मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल, राइस, सैलेड, और अभी आपको मैंने प्लेट दिखाई दी है, एंड ये वाला एरिया भी क्लीन हो गया है, थोड़ा बहुत सामान है जो कि मुझे रखना है, और अभी एक पार्सल आया है, तो वही भैया आए हुए थे। ये अब किचन में अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी,
तो मैंने यहाँ पे अपना लंच लेके आई हूँ और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 या 3:15 बज रहा था। तो अब आप सोच लो कि मुझे कितनी तेज़ भूख लग रही होगी लेकिन वही है ना कि सारे काम से फ्री होके अगर आप खाना खाते हो तो खाने का स्वाद भी डबल हो जाता है। तो मेरी हैबिट ही है कि मैं सारा काम कर लूँगी उसके बाद मैं खाना खाने बैठती हूँ, जिससे खाना खाने के बाद मुझे ज़्यादा काम ना रह जाए, बस बर्तन वगैरह रह जाते हैं जो कि मैं आराम से कर लूँगी। और इसी बीच मैं मशीन भी लगा के आई हूँ तो कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। अभी सूखने के लिए डाल दिए हैं बाहर सारे के सारे, सारे तो नहीं है अभी और भी धुल रहे हैं। और काम करते करते इवनिंग हो गई, आपको पता है शाम के 4:30 बज गए हैं और काम ख़त्म नहीं हुए। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे लेट गई थी तो मुझे याद आया कि मैं पहले कपड़े फैला दूं क्योंकि फिर धूप चली जाएगी। और शाम के 4:30 बजे भी ना इतनी तेज़ वाली धूप है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो किचन से जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ वैसे ही मैंने सोचा कि मैं मशीन भी लगा देती हूँ। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप मशीन से कपड़े कैसे वॉश करते हो, शेयर करना। तो अभी तो मैं डिटेल में नहीं आपके साथ शेयर की हूँ, बट मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि मशीन से कपड़े कैसे मैं वॉश करती हूँ। तो अभी कपड़े बहुत फैले हैं इस वाले रूम में भी और धुल रहे हैं। तो अब गर्मियों में ना मैं ऐसे ही कपड़े धुला करूँगी, मतलब शाम के टाइम में धुलूँगी, तो क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ रहती है बाहर, कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं है इतनी जल्दी कपड़ों को धोने का, आराम से पहले सुबह घर के सारे काम कर लो फिर शाम को जाके अपने मशीन लगा लो तो कपड़े धुल जाते हैं। मैं गर्मियों में ज़्यादातर ना इवनिंग के टाइम पर ही मशीन लगाती हूँ। अभी इवनिंग ही हो गई है, अभी और कपड़े धुलेंगे, बेडशीट वगैरह आज मैंने चेंज किए ना तो वो सारे धुलूंगी। मैं कहीं भी चले जाऊँ ना 2-3 दिन के लिए क्या चले जाओ, घर इतना गंदा हो जाता है। किचन में तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी गंदी हो रही थी किचन। मैंने पहले भी आपको बताया था किचन बहुत गंदी हो रही है, तो आज फाइनली साफ़ हो गई है। डब्बे भी मैंने खाली कर लिए क्योंकि अब मैं बनाऊँगी होली के बाद पापड़ वगैरह, तो मुझे डब्बे खाली चाहिए रहेंगे ना, तो मैंने उनको एक जैसा करके रख दिया है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत सामान था उनको छोटे डब्बों में कर दिया है एंड मतलब स्पेस कर लिया मैंने। अभी पहले होली, होली के बाद फिर बनाऊंगी मैं पापड़, तो वो सब कुछ आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, पता नहीं क्यों थका हुआ फील कर रही हूँ। और ये आए थे लंच करने के बाद फिर चले गए हैं, तो अभी कहाँ गए हैं पता नहीं है। पार्सल आए थे तो मैंने पार्सल भी चेक कर लिए हैं, मैंने अपने सारे काम कर लिए, तो अब देखते हैं इवनिंग का क्या रहता है। पहले कपड़ों से मैं फ्री हो जाऊँ फिर देखती हूँ, तब तक ये आ जाएंगे। कपड़ों से फ्री होंगी तो फिर बनानी पड़ेगी चाय, और वहाँ रखी है मेरे पार्सल को देखो, तो यही है। चलिए मिलती फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। आप सबके कहने पे मैंने सॉल्ट इसमें रख दिया है, ठीक है, और ये पूरा क्लीन हो गया है, सारे डब्बे क्लीन कर दिए, सिर्फ ये स्पाइस बॉक्स रह गया है क्लीन करने के लिए जो कि मैं बाद में करूँगी। यहाँ पे चाय बन रही है इवनिंग वाली। तो चाय बनाने के बाद मैंने एक बड़ी सी लिस्ट तैयार की, इनको बना के दी कि सब्ज़ी लेके आना है, आपको कोई भी सब्ज़ी नहीं है घर में, फिर वो हर दिन की यही प्रॉब्लम कि मैं क्या बनाऊँ कि मैं क्या बनाऊँ। तो सब्ज़ी आ चुकी है, ये है पनीर जिसको मैं नॉर्मल पानी में डिप करके फ्रिज में रखती हूँ, कल बनेगा। ये सॉफ्ट रहता है, पीला नहीं पड़ता है, मॉइस्चर रहता है पनीर में, इसलिए मैं पानी में डिप करके रखती हूँ। ये कुछ बिस्किट लेके आए हैं, ख़त्म हो रहे थे तो सुबह के लिए बिना बिस्किट के तो चाय नहीं पी जाती। तो ये है मटर, मटर की शक्ल पे मत जाना, दाने बहुत अच्छे हैं, भरी हुई मटर है, मुझे फ्रोज़न मटर बनाना है तो मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी, इसलिए मैं ये 2 किलो मटर मंगाई है। यहाँ पे हैं हरी मिर्ची, पालक जिसको मैंने ठीक करके रख दिया गया है, कल बनेगा पालक पनीर। और ये है ऑरेंज, ये है पत्ता गोभी, लौकी, बैंगन, मूली, गाजर, और ये है थोड़ा सा
काशी फल, कद्दू, सारी सब्जियों को मैंने धुल करके रख दिया है। मटर को तो मैं अभी ही दाने निकाल के रख दूंगी क्योंकि कल तक पता नहीं खराब ना हो जाए, इसलिए दाने निकाल के कल मैं इसको आपको दाने दिखाऊंगी, दाने बहुत अच्छे निकलेंगे। तो ये सारी सब्जियां मैंने मंगाई हैं, बर्तन क्लीन हो गए हैं, तो ये है। इसको डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। तो गाइस यहीं बैठे बैठे मैंने मटर जो है वो छील के रख दी है, ये दाने निकले हैं कितने सारे आप देख सकते हो, 2 किलो मटर थी, 2 किलो मटर में से ये दाने निकले हैं। और कुछ कमेंट मेरे पास आए हुए थे, अभी मैं अपने मायके गई हुई थी मौसी जी के घर, तो कुछ कमेंट आ रहे थे, और पहले भी गई थी ना तब भी सेम कमेंट आए थे, तो सोचा कि रिप्लाई कर देती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट कि मैं अचानक से मौसी के घर क्यों गई, क्योंकि अभी तो कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मुझे एक अर्जेंट काम था इसलिए मैं गई थी, और फिर मौसी की एनिवर्सरी भी आ गई थी तो मुझे लगा कि चलो चलते हैं। नानू बाबू भी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, अंजू दीदी की नहीं आई, अंजू दीदी को बुला लो मम्मी, अंजू दीदी को बुला लो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलती हूँ, मेरे सारे काम हो जाएंगे अभी जाऊँगी तो। एनिवर्सरी भी हम लोग फिर मतलब सेलिब्रेट करके आ गए, और हाँ लेकिन मैं 10 तारीख को वापस आ गई थी, सुबह 10:30 बजे मैं वहां से निकली थी, और क्योंकि 10 तारीख को मुझे यहाँ पे बहुत अर्जेंट काम था, मुझे एक वीडियो शूट करना था बहुत अर्जेंट, जिसकी वजह से मुझे 10 तारीख को आना पड़ा, इसलिए मैंने 9 तारीख की रात को ही हमने सेलिब्रेशन कर लिया था एनिवर्सरी का, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैं अचानक से क्यों गई थी। दूसरी बात आती है कि हस्बैंड क्यों नहीं गए थे साथ में, तो उनके मैंने आपको बताया था कि एग्जाम चल रही है, और इस बीच में वो भोपाल भी गए थे अपना एक और एग्जाम देने के लिए, तो वो मेरे साथ नहीं जा सकते थे, और वैसे वो हमेशा मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार तो वो मुझे छोड़ने और लेने भी नहीं गए, क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, पूरा दिन खराब हो जाता है ना कहीं भी हम जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद से चली जाती हूँ, मैं आराम से आ जाऊंगी। हाँ यहाँ मैं आ गई थी तो ये मुझे लेने के लिए चले गए थे, और स्टेशन तक छोड़ने के लिए तो वो गए थे, आपने ब्लॉग में देखा ही है, अगर आपने वो वाले ब्लॉग नहीं देखे मायके वाले तो देख लेना। तो इसीलिए वो मेरे साथ नहीं गए थे क्योंकि उनकी एग्जाम चल रही है, और अभी वो एग्जाम जो काफी टाइम तक चलेगी, पूरे मंथ चलने वाली है, तो अभी हम लोग कहीं और मतलब ज्यादा नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमेंट आता है नानू बाबू के लिए, जो रिद्धि सिद्धि मेरी मौसी की बेटी हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये आपकी मौसी की बेटी हैं? जी हाँ, वो दोनों मौसी की बेटी हैं, ट्यून्स हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी मौसी को बच्चे लेट हुए हैं क्या? जी हाँ, मेरी मौसी को बच्चे लेट हुए हैं, तो इसलिए वो अभी छोटी हैं, और दोनों ट्यून्स हैं, साथ में ही हुई थी, तो इसलिए उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा है, डॉक्टर ने ही रख दिया था उनका नाम रिद्धि सिद्धि, मौसी ऐसा बताती हैं, तो बड़ी क्यूट हैं। और मौसी की 2 ही बेटियां हैं रिद्धि सिद्धि, जिनको हम घर में बोलते हैं नानू बाबू। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं क्या ये जुड़वा हैं, और 2 कितने बच्चे हैं आपकी मौसी के। और जब शादी में गई थी, मैं अपने भाई की शादी में गई थी, तो बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए थे कि मौसी के बेटे की शादी है क्या, मौसी का बेटा ही हुआ वो, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी ने, तो वो मुंह पोछने वाली जो रस्म होती है ना वो मेरी मौसी ने ही की है, मतलब जो सासू माँ वाली जो सारी रस्म होती है ना वो मेरी मौसी ने ही की है, तो मौसी के मेरे भाई की शादी थी, ठीक है। तो इससे बहुत सारे कमेंट जो ना वो आए हुए थे, सोचा कि रिप्लाई कर देती हूँ, जब भी जाती हूँ ना तो कन्फ्यूजन रहती है कुछ लोगों को, फिर वो हर बार मुझे कमेंट करते हैं, बस यही कमेंट थे शायद। हाँ एक और कमेंट था, जो मौसी का घर है वो रेंट का है या उनका खुद का है, तो वो उनके खुद का घर है, रेंट का नहीं है मतलब तो ये सारे कमेंट थे, तो मैंने इनका रिप्लाई कर दिया। आई रियली होप कि अब आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। चलिए अब इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है, रात के बज रहे हैं अभी 9:30, कितने बज गए, कितना टाइम हो गया, 10:20, ओहो 10 बज गए हैं, हम लोगों ने डिनर कर लिया है, सारी सब्जियां वगैरह धुल करके रख दी हैं, और काफी रात हो गई है, मुझे और भी अब तो वीडियो एडिट करना है, तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई रियली होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो देखने को मिलने वाले हैं,
होली आने वाली है, रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना और मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।